अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर अफीफुल्ला खां का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उनके इस्तीफे की मांग एमयू के स्टूडेंट्स मांग रहे थे। इसके बाद प्रॉक्टर अफीफुल्ला खां ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर वसीम अली को यूनिवर्सिटी का नया प्रॉक्टर बनाया गया है। अफीफुल्ला खां इससे पहले एमयू के वाइल्ड लाइफ साइंसेज विभाग के अध्यक्ष थे। उन्हें पूर्व प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहसिन खान के इस्तीफा देने के बाद एमयू का प्रॉक्टर बनाया गया था। यूनिवर्सिटी के वाइल्ड लाइफ के जो प्रोफेसर अफीफुल्ला साहब हैं, उन्होंने प्रॉक्टरशिप से जो एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा वाइस चांसलर ने मंजूर कर लिया है। उनकी जगह लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली को नया प्रॉक्टर अपॉइंट किया है। किस तरह की जिम्मेदारी रहेगी? वो तो एक एक्ट में, स्टेट्यूट्स में, ऑर्डिनेंसेस में सब डिफाइन है। यूनिवर्सिटी का इंटरनल डिसिप्लिन जो है उसके लिए ये प्रॉक्टोरियल सिस्टम एमयू कॉलेज के ज़माने से है और मुझे याद पड़ता है मीर विलायत हुसैन इस तालीमी इदारे के सबसे पहले प्रॉक्टर थे। लंबे प्रशासनिक अनुभव के साथ प्रोफेसर अफीफुल्ला खान डिप्टी प्रॉक्टर व स्टूडेंट वेलफेयर के असिस्टेंट डीन रह चुके हैं। उन्हें 2 साल के लिए यूनिवर्सिटी का प्रॉक्टर बनाया गया था। प्रोफेसर अफीफुल्ला खान का इस्तीफा ऐसे समय में मंजूर किया गया है जब एएमयू छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों के लिए सुर्खियों में है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद से एएमयू के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच यूनिवर्सिटी के बाहर कई पत्थरबाजी और लाठी चार्ज भी देखने को मिला। ऐसे में प्रोफेसर वसीम अली के लिए वर्तमान व्यवस्था को शांतिपूर्ण बनाए रखने की चुनौती होगी। आज आपने पदभार ग्रहण किया और छात्रों के बीच आए हैं। हम तो ऐसा लग रहा है कि हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, बिल्कुल अपने स्टूडेंट के बीच में आए हैं और हम सब एक हैं और हम सब मिल करके जो हमारे मसाइल हैं अपने आपस के और अंदर के मामलात हैं, कोई बाहर का कोई मामला नहीं है। हम इंशाल्लाह मिल करके एक दूसरे को, कोई कोई हम टीचर हैं, ये स्टूडेंट हैं, हमारा यही रिलेशन रहेगा, इसी ताल्लुक को हम मेनटेन करके हम काम करने की कोशिश करेंगे। क्या सर प्रॉक्टर इस वक्त यूनिवर्सिटी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको सपोर्ट करेगा सीए के खिलाफ? देखिए ऐसा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये तो एक मामला जो नेशनल इशू है, इस पर अपना सपोर्ट करना, जिसका दिल चाहे वो सपोर्ट करे, जिसका दिल चाहे वो नहीं कर रहा, बहुत से लोग इसका वो भी कर रहे हैं, कोई अंदर से कर रहा है, कोई बाहर से कर रहा है, लेकिन जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, हमें इनके बारे में ख्याल है कि ये अपना जो कर रहे हैं वो पीसफुल और डेमोक्रेटिक वे में करें अपना जो करना है, क्योंकि ये इनका अपना राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम इसको ना मना कर सकते हैं ना हम इसके बारे में इनके ऊपर कोई ऐसी प्रेशर की बात कर रहे हैं। किस तरह से डिमांड्स हैं छात्रों की और पूरी कैसे होगी? कोई ऐसी खास बात नहीं है, सिर्फ इनको ये है कि कुछ इनको ये है एहसास है कि हमारे साथ कुछ मामलात हुए हैं, कुछ एक्शन हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और कुछ इंटरनल भी एक्शन हैं, कुछ एक्सटर्नल एक्शन हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है हम उसको फाइल देखेंगे, एग्जामिन करेंगे और जो लीगली पॉसिबल होगा वो सारी चीज़ें होंगी। वहीं हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर केस करने का मामला सामने आया था। दरअसल उन पर एमयू के वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप था। एमयू के वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी के मामले में पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया था, जिनमें से 1 छात्र को धारा 151 के तहत जेल भी भेजा गया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ छात्र की रिहाई को लेकर चुंगी गेट पर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन पर अलीगढ़ पुलिस ने 600 से 700 एमयू स्टूडेंट्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। इन पर धारा 144 उल्लंघन करने का आरोप था। ये केस 27 जनवरी को दर्ज किया गया था। देखिए आज 51 दिन हो गए हमारे प्रोटेस्ट का, कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है बाबिसियत, उस पर एक प्रॉक्टर की डिमांड भी थी हटाने की, जिसमें DSW और स्टार और वाइस चैनलर भी थे। नो CA नो NRC का प्रोटेस्ट चल ही रहा है, तो एक पहली कामयाबी है जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। मैं दुआ भी करूँगा और दरख्वास्त भी करूँगा और उनसे भी उम्मीद यही करूँगा कि एक अच्छे प्रॉक्टरशिप को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वो देने की कोशिश करें। बाकी लोगों की डिमांड अभी क्या है? अभी VC रजिस्ट्रार और DSW की डिमांड है, जो उनका रिजिग्नेशन है चाहिए, क्योंकि जो DSW ने भी धमकी भरा एक बयान दिया था और रजिस्ट्रार ने जो 15 तारीख में बयान दिया था, और VC इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के
खुद की रिजिग्नेशन दें और हमारा सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक नहीं हटेगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं? बहरहाल इस चुनौती भरे समय में प्रॉक्टर प्रोफेसर अफीफुल्ला खान के इस्तीफे के बाद नए प्रॉक्टर के लिए सारी चीजें नई सी हैं। अब देखना यह होगा कि जो पिछले दो महीने से एएमयू लगातार सुर्खियों में है उनमें कितनी शांति आती है। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।